तो अपना जो टॉपिक है ना बेटा, अपन मॉनेटरी पॉलिसी को ही कंप्लीट करेंगे, राइट। मौद्रिक नीति का अपना पुराना टॉपिक चल रहा था, उसी को अपन कंप्लीट करेंगे। और मौद्रिक नीति के बारे में कुछ चीजें हम लोग पढ़ चुके थे। आप में से कितने लोगों ने देखा है वो वीडियो? आवाज आ रही है ना बेटा मेरी? यस हाँ, तो ठीक है बेटा। अपने मॉनेटरी पॉलिसी में पढ़ा था कि मॉनेटरी पॉलिसी को कौन जारी करता है? आरबीआई। और आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? 1935 में, राइट। और कौन सी कमेटी की सिफारिश में हुई थी? उदित पटेल समिति, कौन सी बेटा? हिल्टन यंग समिति। कौन सी थी? हिल्टन यंग कमेटी 1926 में बनी थी, 1926 में ये कमेटी बनी थी। और इस कमेटी ने की रिकमेंडेशंस के बेसिस पर देश में केंद्रीय बैंक की स्थापना की गई थी। और उस केंद्रीय बैंक का नाम आगे चल करके क्या पड़ा? आरबीआई। ठीक है बेटा। अच्छा, आरबीआई के बारे में एक और फैक्ट, गवर्नर कौन है आरबीआई के? शक्तिकांत दास। वेरी गुड, शक्तिकांत दास। अच्छा बेटा एक चीज बताओ, इसका मुख्यालय कहाँ है, हेडक्वार्टर? मुंबई में। अच्छा एक क्वेश्चन कई बार आईएएस में बहुत टिपिकल पूछ लेते हैं, स्टेटमेंट दे देते हैं कि निम्नलिखित कथनों में से बताइए कि ये सही है या गलत है। तो क्या आरबीआई का हेडक्वार्टर शुरू से ही मुंबई में है? आरबीआई का जो हेडक्वार्टर है क्या शुरू से ही मुंबई में है, स्थापना से ही? नो सर, तो पहले कहाँ था? कोलकाता में। वेरी गुड, मतलब बच्चे वाकई होशियार हो गए। शांतनु झूठ नहीं बोलता, पहले ये कोलकाता में था और उसके बाद जो है मुंबई में शिफ्ट कर दिया। अच्छा मुंबई में शिफ्ट करने का रीजन क्या था बताओ, कोई बताएगा मुझे? बेटा बेटा ये कोई एक स्टूडेंट बोल रहा है और अपने काम की बातें नहीं बोल रहा, तो प्लीज वो अपनी वॉइस को बंद रखे। सिर्फ जो रिलेवेंट चीजें हैं आप लोग वही यहाँ पे डिस्कस करोगे तो वो ठीक रहेगा, अदरवाइज मुझे म्यूट करना पड़ेगा। यस, आपका भी माइक ऑन है बेटा। ठीक है, इतना हम लोग पढ़ चुके थे। और इसके साथ एक और फैक्ट हम लोगों ने देखा था, और मैं बार बार में इसलिए पढ़ा बताना चाहूंगा कि आज आप लोगों ने बेटा वीडियो देखा था क्या, श्रीमाली जी का जो आयुक्ता ने कॉलेज शिक्षा ने शेयर किया था कॉम्पिटेटिव क्लास के लिए, मोटिवेशनल वीडियो था। एक आईएएस है अपने यहाँ श्रीमाली जी, प्रॉपर राजस्थान बैच के हैं, राजस्थान कैडर के हैं। और उन्होंने एक बात कही थी कि आप लोगों के लिए रिवीजन बेहद जरूरी है, किसी के लिए भी। तो आप लोग रिवीजन यदि टाइम पे नहीं करोगे और आप पिछले पढ़ाई का दूसरे या तीसरे दिन में रिवीजन नहीं करोगे तो 70% चीजें आप लोग भूल जाओगे, इसलिए रिवीजन जो है बेहद जरूरी है। अच्छा बेटा अब बताओ, मौद्रिक नीति जो होती है, मॉनेटरी पॉलिसी अपन बोलते हैं, इसको कौन जारी करता है? आरबीआई। एमपीसी। एमपीसी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, मैंने बताया जी सर। था ना, मौद्रिक नीति समिति। और मौद्रिक नीति समिति में मेंबर कितने होते हैं, सदस्य बताओ? छह, सिक्स सिक्स मेंबर। और अध्यक्ष कौन होता है? गवर्नर। गवर्नर गवर्नर। और इसके अलावा दो मेंबर जो होते हैं, दो सदस्य, वो किसके होते हैं? आरबीआई के। डिप्टी
और तीन कहाँ के होते हैं बेटा? तीन सदस्य सरकार के, बिल्कुल सरकारी सदस्य होते हैं, सरकार के नॉमिनी होते हैं, ठीक है। और इसीलिए इसकी जब स्थापना हुई थी ना बेटा, तो आलोचना हुई थी कि इससे सरकार जो है मॉनेटरी पॉलिसी में क्या करेगी, हस्तक्षेप करेगी, इसकी आशंका व्यक्त की गई थी। बेटा ये हाँ सॉरी ठीक है, इतना हुआ बेटा। ये क्या होता है, किसी को भी पिन करने पर ये उसकी स्क्रीन सामने आ जाती है, ये थोड़ी दिक्कत होती है इसमें ट्रीटमेंट में, लेकिन मेरे सामने उसकी तुलना में बेटर एप्लीकेशन है ये। अच्छा बेटा, मौद्रिक नीति के मुझे कोई चार ऑब्जेक्टिव बताओ, उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द मॉनेटरी पॉलिसी कौन बताएगा बताओ? अच्छा आता नहीं है बेटा, या आप बताना नहीं चाह रहे हो? ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, या एमपी का मतलब मॉनेटरी पॉलिसी है। देखो मैंने आपको बहुत बेटा, देखो सिर्फ मैं आपको बताऊं, आंख बंद करके जब किसी भी देश की यदि किसी पॉलिसी से रिलेटेड इश्यू आता है ना, तो एक तो आर्थिक विकास को तो आंख बंद करके बोल दो, आर्थिक विकास तो बिल्कुल बिना सोचे ही बोल दो भाई, आर्थिक विकास तो करेगा ही ना कोई भी देश यदि कोई पॉलिसी बनाएगा तो। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट या ग्रोथ का टारगेट तो उसका किसी भी देश का प्रथम होता है। इसके अलावा इन्फ्लेशन शब्द का इस्तेमाल किया था जिन्होंने, बोला आंसर सही है, इकोनॉमिक्स की भाषा में इसको बोलते हैं इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, आर्थिक स्थिरता, इकोनॉमिक्स की भाषा में इसको इकोनॉमिक स्टेबिलिटी बोलते हैं। और क्रेडिट कंट्रोल यानी साख का नियंत्रण, क्रेडिट कंट्रोल साख का नियंत्रण, और साख के नियंत्रण को अपन दूसरे शब्दों में बोलते हैं मुद्रा की पूर्ति को नियंत्रित करना, किसको नियंत्रित करना, सप्लाई ऑफ मनी, मुद्रा की पूर्ति को नियंत्रित करना। अच्छा ये तो इसके प्राइम ऑब्जेक्टिव्स हो गए, दूसरे ढेर सारे हैं, उनसे अपना कोई खास लेना देना नहीं है, ठीक है। हमें सिर्फ इकोनॉमिक एस्पेक्ट के बारे में बात करनी है जो कंपटीशन के लिहाज से जरूरी है अपने लिए। अब हम बात करेंगे डायरेक्ट मॉनेटरी पॉलिसी के टूल्स के ऊपर, जो हमने पिछली क्लास में भी नहीं पढ़ पाए थे, वीडियो में भी नहीं पढ़ पाए थे, क्योंकि वीडियो हमारा सडनली स्टॉप कर गया था उस दिन बिकॉज ऑफ नेटवर्क इशू। अच्छा इकोनॉमिक्स के जो स्टूडेंट जुड़े हुए हैं वो मुझे बताएंगे कि मॉनेटरी पॉलिसी के टूल्स कौन कौन से होते हैं। कोई भी स्टूडेंट, बोर्ड दिखाई दे रहा है बेटा आप लोगों को? यस सर। हाँ तो बेटा कौन कौन से टूल होते हैं? पता नहीं। क्वांटिटेटिव, क्वांटिटेटिव यानी मात्रात्मक, एक तो क्या होता है मात्रात्मक, और एक होता है बेटा क्वालिटेटिव, क्वालिटेटिव यानी गुणात्मक। और अब हम हमारे लिए ज्यादा जरूरी कौन सा है, क्वांटिटेटिव। और इसमें दो चीजें होती है बेटा, कुछ तो होती है रेट्स यानी दरें, और कुछ होते हैं रेशियो यानी अनुपात, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम लोग बात करेंगे कौन कौन सी रेट है जो इफेक्ट करती हैं, और फिर कौन कौन से रेशियो हैं जो इफेक्ट करते हैं। देखो दरें किसकी होती हैं और रेशियो किसके होते हैं, इनके बारे में हम लोग जो है बात करेंगे क्वांटिटेटिव जो मेथड्स हैं या टेक्निक्स हैं उनके ऊपर। अच्छा आप लोगों ने ये नाम सुना है किसी ने, बैंक दर का?
यस सर। क्या होती है बेटा? रेपो दर। अच्छा बैंक रेट क्या होती है मुझे बताओ। इंटरेस्ट रेट। बहुत सिंपल, इंटरेस्ट रेट। ये किसी ने कहा है इंटरेस्ट रेट, यानी बेटा इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है एक बार बताओ मुझे, कोई भी बता दो इंटरेस्ट का हिंदी क्या होगा, ट्रांसलेशन ही बता दो। ब्याज दर। ब्याज। ब्याज। तो बेटा ब्याज और बैंक रेट एक कैसे हो सकती है? अब हम इसको बहुत सिंपल शब्दों में समझो, बैंक दर का संबंध होता है बैंक से, किससे होता है? बैंक से। और बैंक से कैसे होता है, यानी बैंक किससे ऋण लेते हैं? आरबीआई से। ये। और कैसे ऋण लेते हैं? दीर्घकालीन। कैसे ऋण लेते हैं? दीर्घकालीन। और दीर्घकालीन ऋण कैसे होते हैं? मोर देन वन ईयर। कैसे होते हैं? मोर देन वन ईयर। अच्छा एक चीज बताओ बेटा, जब हम बात कर रहे हैं बैंक दर की, यानी यह वह दर होती है जिस दर पर व्यापारिक बैंक, कौन से बैंक? कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक अपने लोन लेते हैं, किससे लेते हैं? आरबीआई से। अब आ गया समझ में क्या होती है बैंक दर? यस सर। यस सर। हाँ ये तो हो गई बैंक रेट। और इंटरेस्ट रेट क्या होती है बेटा? जिस दर पर व्यापारिक बैंक पब्लिक को ऋण देते हैं, किसको ऋण देते हैं? पब्लिक। पब्लिक को, राइट? यस। अब मेरे सामने ये जो बैंक दर है वो आपके समझ में आ गई होगी, और हम इन दरों के बारे में बात नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? हाँ बोले बेटा। यस हाँ बोलो बेटा। रिपीट कर दीजिए। आप क्या रिपीट करना है बेटा बताओ? सर ये बैंक का टूल्स ऑफ मनी। ओके क्वालिटी। हाँ बेटा ठीक है, अपन जो क्वांटिटेटिव टेक्निक्स की बात कर रहे हैं, राइट? और क्वांटिटेटिव टेक्निक्स में अपन ने पहला डिस्कशन किया था किसके ऊपर? बैंक रेट के ऊपर। किसके ऊपर किया था बेटा? बैंक रेट के ऊपर। और बैंक रेट क्या होती है? वह दर होती है जिस पर व्यापारिक बैंक यानी कमर्शियल बैंक किससे ऋण लेते हैं बेटा? व्यापार से ऋण लेते हैं। नहीं, व्यापारिक बैंक कौन से होते हैं बेटा? एक चीज तो मैं आपको ये बता दूं, जितने भी ये अनुसूचित बैंक है ना बेटा, पीएनबी, एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा, देना, यानी जिन बैंकों के नाम अपन सुनते हैं ना, जिनसे जिनसे अपन व्यवहार करते हैं, वो सारे बैंक कैसे हैं? व्यापारिक है। ठीक है ना बेटा, ये सारे बैंक व्यापारिक है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। आपको इस चीज का ध्यान रखना है, ये सारे के सारे बैंक कैसे हैं? व्यापारिक है। और ये बैंक आरबीआई से जिस दर पर ऋण लेते हैं वो हमारी बैंक रेट होती है। अब आ गया समझ में? ये पहले क्वेश्चन किसने पूछा था बेटा, आपके समझ में आया नहीं आया? यस सर आ गया सर। अच्छा आ गया। और एक क्वेश्चन मैं और पूछना चाहूंगा, जो पिछली क्लास में डिस्कस किया था हम लोगों ने। अच्छा मौद्रिक नीति समिति जो होती है ना, वो साल में कितने बार मौद्रिक नीति जारी करती है आजकल? 6 बार। वेरी गुड। यानी दो महीने में एक बार, राइट? इसके अतिरिक्त एक और चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगा, क्या कह रहे हो बेटा? अच्छा एक चीज और बताओ बेटा मुझे, आप ये जो एमपीसी की स्थापना हुई थी ना, ये कौन सी कमेटी की रिकमेंडेशन से हुई थी? आप लोग याद करो, तब तक मैं दूसरे पॉइंट पर आता हूं। सर उदित पटेल समिति। वेरी गुड। कौन सा पटेल बेटा? उदित पटेल। उदित नहीं बेटा, उर्जित पटेल। अच्छा सॉरी। आपका आंसर लगभग सही था, इकोनॉमिक्स के हिसाब से तो पूरा ही सही था, हिंदी के हिसाब से गलत था। ठीक है बेटा, तो ये हमारा हो गया एमपीसी की। अब दूसरा जो टूल जो बहुत महत्वपूर्ण है हमारे लिए,
वो है CRR, कैश रिजर्व रेशियो। लिखना मेरे सामने उतना जरूरी नहीं है, नगद आरक्षित अनुपात, नगद आरक्षित अनुपात। अभी हम बात कर रहे थे ना, कुछ तो दर होती है और कुछ अनुपात होते हैं। ये CCR का केस रिसोर्स, CRR बेटा, कैश रिजर्व रेशियो, कैश रिजर्व रेशियो बेटा। इनको आप लोग बाद में गूगल कर लेना, कोई दिक्कत नहीं, अभी आपको सिर्फ समझना है, ठीक है? क्योंकि सारी चीजें यहां पर क्लियर करना कई बार पॉसिबल नहीं हो पाता। अच्छा बेटा, आज मैं माइक यूज में कर रहा हूं, तो आप मुझे वॉइस के बारे में इस माइक का फीडबैक जरूर दे दो कि इससे आवाज और दिनों से बेहतर है, पहले जैसी आ रही है। सर बेहतर है, सर क्लियर आ रही है, सर क्लियर आ रही है वीडियो। क्या कह रहे हो बेटा? अच्छा ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कैश रिजर्व रेशियो के बारे में आप लोग क्या समझते हैं बेटा? CRR के बारे में कोई एक स्टूडेंट यदि यहां पे जुड़ा हुआ है, शिखा, अर्चना या मेघा में से कोई बताएगा, क्योंकि ये लोग पढ़ चुके हैं इसको, CRR को याद हो तो बताओ बेटा। सर जो बैंक कुछ रेशियो में कैश को रिजर्व करके रखते हैं, उसको शायद कैश रिजर्व रेशियो। बेटा किसके पास रखते हैं, थोड़ा सा बताओ। हाँ कुछ हद तक आप लोग ठीक हो, थोड़ा सा इसको और करेक्ट करो। आरबीआई में। अब यहाँ पे आप लोग, हाँ बेटा, अब यहाँ से क्या है, ट्रिक्स आप रख लो कि यानी अपने माना कि किसी बैंक के पास कितने रुपए हैं, 100 करोड़ है, कितने हैं, 100 करोड़ है उसके पास टोटल। तो 100 करोड़ में से उसको एक निश्चित हिस्सा है, यानी ये निश्चित हिस्सा 5% हो सकता है, 4% हो सकता है, 6% हो सकता है। पहले क्या था, इसकी लिमिट फिक्स थी बेटा, और लिमिट कितनी थी इसकी, 3% से 15%। लेकिन अब इस लिमिट को ऊपरी और निचली जो सीमाएं उनको खत्म कर दिया है, अभी ये कितनी भी हो सकती है। और मैं आपको एग्जैक्ट रेशियो नहीं बताऊंगा, उसका रीजन ये कि हर 2 महीने में चेंज हो जाती है, तो कंपटीशन में भी आपसे कोई भी इसका रेशियो नहीं पूछेगा, आप निश्चिंत रहे इस चीज को लेकर के। यानी बैंक अपना एक निश्चित हिस्सा किसके पास रखते हैं, सेंट्रल बैंक के पास। किसके पास रखते हैं, सेंट्रल बैंक, सेंट्रल बैंक। और सेंट्रल बैंक कौन सा है अपना, आरबीआई। आ गया समझ में आप? यानी बैंक को अपनी जमाओं का एक निश्चित हिस्सा किसके पास रखना होता है, केंद्रीय बैंक के पास। केंद्रीय बैंक कौन सा है, आरबीआई। तो आरबीआई के पास जितना हिस्सा वो रखेगा, माना कि ये 5% है, अब बैंक के पास कितना बचा बेटा, बैंक के पास कितना अमाउंट बचा, 95, क्योंकि 5% तो उसने कहां रख दिया, बैंक में। तो ऋण तो नहीं दे सकता ना वो इसका किसी को, क्योंकि वो पैसा कहां चला गया, आरबीआई के पास। अब इसका असर क्या पड़ेगा, आप कोई मुझे ये बताएगा कि इसका असर क्या पड़ेगा, यानी जब देश में मुद्रा स्फीति होगी तब हम क्या करेंगे, CRR बढ़ाएंगे या घटाएंगे, ये है मेन चीज। तो आप समझ तो जाओगे कि CRR क्या होता है, यानी बैंक को अपनी जमाओं का एक निश्चित हिस्सा जो केंद्रीय बैंक के पास रखना पड़ता है, वो CRR है। बट हाउ इट कैन इफेक्ट द मनी सप्लाई इन इंडिया, ये कैसे बेटा मुद्रा की पूर्ति को नियंत्रित करती है। देखो बहुत सिंपल है, यानी देश में क्या है, मुद्रा स्फीति है। क्या है, मुद्रा स्फीति है, मुद्रा स्फीति है, मुद्रा स्फीति है। इसका मतलब देश में मुद्रा की मात्रा कम है या ज्यादा, मुद्रा स्फीति में मुद्रा की मात्रा कैसे, ज्यादा है बेटा, ज्यादा है, ज्यादा है बेटा। जब लोगों की इनकम ज्यादा होती है ना, तब मुद्रा स्फीति होती है। मुद्रा स्फीति कब होती है, जब लोगों की इनकम ज्यादा होती है। और एक रीजन है, ये पूरा रीजन नहीं है, ऐसा मत सोच लेना कि आजकल जो मुद्रा स्फीति बढ़ रही है ना, उसके पीछे ये रीजन है।
दो रीजन होते हैं, एक तो होता है मांग प्रभाव और एक होता है पूर्ति प्रभाव, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन और डिमांड पुश इन्फ्लेशन। तो मुद्रा जब ज्यादा होगी ना तो डिमांड बढ़ जाएगी, क्या बढ़ जाएगी, डिमांड बढ़ जाएगी। तो जब मुद्रा को कम करना है हमें तो इसको क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा, यानी मुद्रा स्फीति में अपन सीआरआर को क्या करेंगे, बढ़ाएंगे, बढ़ा देंगे। अब आ गया समझ में? अच्छा बेटा इसको आप बहुत सिंपल शब्दों में समझो, किसी को भी समझ में नहीं आए तो आप एक बार नहीं, दो बार नहीं, दस बार पूछो भले ही, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। जो ये दरें होती है ना, यानी जितनी ये ऊंची होंगी ना उतना ही बैंक कम ऋण दे पाएंगे, ठीक है भाई। बैंक दर भी ज्यादा हो गई तो भी वो कम ऋण दे पाएंगे, इसलिए मुद्रा स्फीति की स्थिति में बैंक दर को क्या किया जाता है, और हाई किया जाता है। और मंदी की स्थिति में क्या करते हैं अपन, मुद्रा, हाँ बोलो बेटा, जो मुद्रा, सर जो मुद्रा स्फीति है, बाजार की जो वस्तुएं होती है वो महंगी होती है फिर, हाँ बिल्कुल महंगी होती है ना बेटा। मुद्रा स्फीति, मुद्रा स्फीति का मतलब ये है बेटा कि चीजें महंगी हो जाती है, और महंगी होने के पीछे रीजन क्या है, एक रीजन मॉनेटरी रीजन ये है कि लोगों के पास आसानी से ऋण उपलब्ध हो रहा है। जैसे माना कि आज की डेट में कोई हाउस लोन लेने जाएगा तो हाउस लोन की जो दर है वो 6.9% और 7% है, तो इसका मतलब घरों की मांग बढ़ जाएगी क्योंकि घरों को खरीदने वाले ज्यादा हो गए, समझ रहे ना भाई। जब लोन आसानी से मिलेगा हमें, बैंक पैसा देने को तैयार है, तो हमारे पास इजीली जो एक्सेस है पैसे का वो होगा, और जब पैसा अपने पास होगा तो अपन मांग करेंगे, और मांग करेंगे तो उससे डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी तो कीमत बढ़ेगी, और इसलिए इन्फ्लेशन होगा। बहुत सिंपल है ना? यस सर, यस सर। आप बेटा, कुछ बच्चों को जिनको लगता है कि अभी भी तारे जमीन पर चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है बेटा, एक बार दोबारा वीडियो को मैं कोशिश करूंगा, ये रिकॉर्डिंग है जो सेव हो जाए तो अपन बाद में देख लेंगे, ठीक है। इकोनॉमिक्स की क्लास में एक संकट रहता है कि सारी चीजें आप पहली क्लास में नहीं समझ पाते, धीरे धीरे समझ में आती है। और ये बैंक दर का और सीआरआर का और इनका तो बहुत अजीब सा वो हिसाब है, कई लोगों के समझ में नहीं आती है, लेकिन अब तो समझ में आ गई बेटा। मुद्रा स्फीति के दौरान हमें बैंक दर भी बढ़ानी पड़ेगी और मंदी में वो घटानी पड़ेगी। जैसे अभी मंदी का दौर चल रहा है, अपन ये मानते हैं कि कोरोना के कारण मंदी हो गई, ठीक है, तो सरकार क्या चाह रही है कि लोग ज्यादा से ज्यादा ऋण ले पाए, इसलिए बैंक दर अभी सबसे कम दर स्तर पर है भारत में, मतलब न्यूनतम स्तर पर है बैंक दर अभी। अच्छा बेटा ऐसे लाभ क्या होती है सर, ये मुद्रास्फीति और मंदी ये सब एक ही है क्या? नहीं बेटा अलग है, मंदी मतलब तो कीमतों में कमी होता है और मुद्रा स्फीति यानी कीमतों में वृद्धि होता है, एक कैसे? अच्छा सर दोनों अलग अलग है? बिल्कुल अलग अलग, अलग अलग नहीं विपरीत है बेटा एक दूसरे के। सांविधिक तरलता अनुपात, स्टेट्यूअरी लिक्विडिटी रेशियो, ये भी आप लोग इसकी फुल फॉर्म खुद मुझे बताओगे इंग्लिश में, हिंदी में मैं लिख देता हूं, सांविधिक तरलता अनुपात, तरलता अनुपात, अच्छा बेटा सांविधिक तरलता अनुपात। अब यहां ऐसे आप ट्रिक्स बना लो, सेल्फ क्या है, सेल्फ यानी बैंक अपनी कुल जमाओं का एक निश्चित हिस्सा किसके पास रखेंगे, अपने पास, खुद के पास, वो ऐसे ला रहे। जैसे माना कि 5 करोड़ तो सर आरबीआई ने कह दिया कि हमारे पास रखो, और कह दिया कि 20 करोड़ आप अपने पास रखोगे। अब ये 20 करोड़ किस लिए रखे गए, कि कोई विजय माल्या जैसा आदमी, कोई नीरव मोदी जैसा आदमी चकमा देकर के पूरा लोन नहीं ले जाए। ये किसके लिए किया जाता है, ऐसे लोगों से जो फ्रॉड किया, फ्रॉड लोग होते ना उनसे बचाने के लिए ये किया जाता है बेटा। तो भाई जैसे बैंक के, और या फिर कोई स्थिति ऐसी आ जाए कि लोगों का एक साथ जॉब चला जाए, मंदी आ जाए, और लोग अपनी जो जमाएं है ना, जो जमा करा रखा है उसको एक साथ मांगने आ गए, जैसा कि पिछले साल यस बैंक के साथ हुआ था। आप लोगों ने सुना था कि सुना था, यस बैंक का मामला सुनने में आया था कि यस बैंक फेल होने की स्थिति में आ गया था।
और आप देखोगे कि पीएनबी वाला घोटाला हुआ था तो पीएनबी तो खैर बहुत बड़ा बैंक है, इसलिए झेल गया उस झटके को। अदरवाइज जो छोटे बैंक होते हैं उनके सामने संकट बहुत गहरा होता है। अच्छा, ये समझ में आ गया बेटा, सामाजिक तरलता अनुपात है वो क्या है, जो बैंक अपने पास रखते हैं, यानी उसका ऋण नहीं ले सकते वो, ठीक है। अब यानी आपने 20 प्लस 5 यानी 25 करोड़ कैसे कर दिए, ब्लॉक कर दिए। अब बैंक के पास कितने बचे, 75। अब वो जितना भी ऋण वगैरह देगा वो किस पे देगा, 75 पे। इसका मतलब एसएलआर का संबंध भी मुद्रा स्फीति के दौरान, यदि मुद्रा स्फीति हो गई तो बैंक एसएलआर को बढ़ाएगा घटाएगा, आप मुझे बताओ। अरे बढ़ाएगा बेटा, मुद्रा स्फीति में दरें बढ़ेंगी, आप तो एक चीज रख लो, मुद्रा स्फीति यदि है तो इनकी दर बढ़ानी पड़ेगी बेटा, एसएलआर की सीआरआर की दरें बढ़ानी पड़ेगी, बैंक वर की सीआरआर की और एसएलआर की दरें बढ़ानी पड़ेगी। यस सर, ठीक है, ओके सर, ठीक है सर। अच्छा बेटा, एक चीज और मैं आप लोगों को इस क्लास में और क्लासों से अलग बताना चाहूंगा, आप लोगों की बहुत हार्दिक इच्छा होती है कि आप लोग जगह जगह से पीडीएफ इकट्ठा करते हो, उनका प्रिंट लेते हो, राइट? यस सर। मैं आप सबको ये सलाह देना चाहूंगा, मेरी तरफ से ये निजी राय है कि पीडीएफ के चक्कर में ना पड़े, उससे बेवजह अपने पास एक कागजों का जो ढेर होता है वो बढ़ता है। आप लोग जहां से भी पढ़े उसमें से इंपॉर्टेंट चीज के लिए अपनी एक खुद की डायरी बनाए, ठीक है ना? और बेटा उस डायरी को ही हम लोगों को उसके बाद यूज में लेना है, अपनी खुद की डायरी। यदि कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप उस डायरी से देखें, उसके बाद उसमें कुछ ऐड करना है। वो डायरी किस काम की है, माना कि हम लोग बैंक दर पढ़ रहे हैं तो आप गूगल पर जाओगे, आरबीआई की साइट पर जाओगे, आज की डेट में बैंक दर देखोगे साहब की 4.15%, तो आपने नोट कर लिया उसमें, ठीक है। फिर दो महीने बाद दोबारा जैसे ही मौद्रिक नीति आई, उन्होंने बैंक दर बढ़ा करके माना कि 4.5% कर दी, रेड पेन निकाला, उस पर क्रॉस किया और उसी जगह पे काट के सही कर दिया। ये काम कौन करेगा अपडेटेशन का, आप करोगे, और वो कब करोगे, जब आपके पास खुद के अपने नोट्स होंगे, ठीक है ना बेटा। देखिए, सफल होने के लिए आपको खुद को मेहनत करनी है, कोई शॉर्टकट नहीं है, किसी का भी नहीं है, आपको खुद को मेहनत करनी है, खुद को पढ़ना है। चाहे मैं हूं, चाहे शांतनु सर हो, चाहे प्रशांत सर हो, हम लोग सिर्फ आपको थोड़ा बहुत गाइड कर सकते हैं, और भले ही आप लोग बिलीव करो या नहीं करो, लेकिन बेहद विपरीत परिस्थितियों में आपके साथ ये क्लास ली जाती है। टाइम भी आप देख सकते हो, क्लाइमेट भी आप देख सकते हो, गर्मी का स्तर भी आप लोग देख सकते हो, तो इसलिए आप लोगों को खुद को मेहनत करनी है। और ये कोई ऐसी बात नहीं है कि सर भाषण दे रहे हैं, ये बेहद जरूरी भी है कि आपको मेहनत करना आना चाहिए यदि सफल होना है तो। अब हम लोग और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं बेटा, ये आ गया एसएलआर समझ में, यानी बैंक अपनी कुल जमाओं का एक निश्चित हिस्सा खुद के पास रखेंगे, ठीक है? ओके, अब हम बहुत इंपॉर्टेंट जो रेशियो है जिनके बारे में, हाँ बोलो बेटा। सर ये जो रिकॉर्डेड क्लास है ये हमें क्या बाद में मिल सकती है ना दोबारा? बेटा ये तो यहाँ पे रहेंगी, सेव रहेंगी, ये तो यहाँ पे जो आप टीचमेंट पे देख रहे हो ना जी, इसी आईडी पे सेव रहनी चाहिए। मैं पहली बार यूज में ले रहा हूँ तो मुझे ज्यादा आइडिया नहीं है इस चीज का, है ना, मतलब पहली क्लास है अपनी टीचमेंट पे, तो मुझे बहुत आइडिया नहीं है। हो सकता है कि अपन एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे क्लास ले रहे हैं और ये कितना सफल होता है ये अपन देखेंगे आज। ओके, हाँ बेटा, हम लोग अब बात करते हैं रेपो रेट पे, रेपो दर या रेपो रेट, कौन बताएगा अपने विद्वान बच्चों में से? अच्छा बेटा, जो स्टूडेंट जुड़े हुए हैं ना, मैं इसमें एक चीज बहुत नोटिस करूंगा, और वो चीज यह है नोटिस करने लायक बात कि जो रेगुलर रहेंगे ना उन्हीं को क्लास में रखूंगा, बाकी को मैं आउट कर दूंगा और बाद में उन्हें ज्वाइन नहीं करवाऊंगा। शांतनु सर की क्लास में 90 लोग रजिस्टर्ड है लेकिन आते 30 में 30 ही है,
मेरे में जो ऐसा करेगा मैं उनको बाहर कर दूंगा और ज्वाइन नहीं करवाऊंगा बाद में। अच्छा रेपो रेट नहीं बताई किसी ने भी, कोई एक तो तैयार हो जाओ बेटा। चलो कोई बात नहीं, मैं ही बता देता हूँ। हाँ बोलो, हाँ बोले बेटा। बैंकों द्वारा आरबीआई से रुपए उधार लेते, रुपए उधार लेने की दर, वो तो बैंक दर है ना। हाँ सर, हाँ जो भी केंद्रीय बैंक। हाँ सर, वेरी गुड। अब ये किसने बताया? प्रिया वर्मा। हाँ बिल्कुल सही है बेटा, यानी जिस दर पर व्यापारिक बैंक, कौन से बैंक? व्यापारिक बैंक, कमर्शियल बैंक, व्यापारिक बैंक आरबीआई से शॉर्ट टर्म लोन लेते हैं। कैसे लोन लेते हैं? उधार, शॉर्ट टर्म यानी अल्पकालीन। शॉर्ट टर्म का मतलब क्या बेटा? अल्पकालीन। तो शॉर्ट टर्म लोन लेते हैं, वो क्या है? रेपो रेट। आ गई समझ में? यानी बैंक दर क्या होती है? जिसमें दीर्घकालीन ऋण दिया जाता है। और रेपो रेट हमारी अल्पकालीन से संबंधित है, ठीक है ना बेटा? ओके सर। यस सर। और इसका भी संबंध उन रेशियो के टाइप में, उन दरों के प्रकार से है बेटा। क्या बेटा? हाँ दोबारा बता देता हूं, जिस दर पर व्यापारिक बैंक केंद्रीय बैंक यानी आरबीआई से अल्पकालीन ऋण लेते हैं, यानी शॉर्ट टर्म लोन लेते हैं, शॉर्ट टर्म लोन है बेटा ये, वो क्या है? दिस वन इज कॉल्ड रेपो रेट। अच्छा रिवर्स रेपो रेट क्या होती है बेटा? ट्रिपल ट्रिपल आर। जब ऋण के बदले में ब्याज देते हैं सर, ब्याज दर, जब वो ब्याज देते हैं ऋण के बदले में, कौन देते हैं ब्याज? व्यापारिक बैंक को देते। व्यापारिक बैंक सर, आरबीआई बेटा, आरबीआई कमर्शियल बैंक से लेता है आरबीआई को। हाँ मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, देखो अब अपना कंफ्यूजन दूर करो, ठीक है? कंफ्यूजन कैसे दूर करना है? सबसे पहले हमने पढ़ा बैंक दर, ठीक है? बैंक दर में क्या था? वह दर जिस पर व्यापारिक बैंक केंद्रीय बैंक से लॉन्ग टर्म के लोन लेते हैं, यानी दीर्घकालीन ऋण लेते हैं, राइट? दूसरा पढ़ा हमने सीआरआर। सीआरआर क्या था बेटा? यानी प्रत्येक बैंक अपनी कुल जमाओं का एक निश्चित हिस्सा किसके पास रखेगा? आरबीआई के पास। किसके पास रखेगा? आरबीआई के पास। इसके बाद हमने एसएलआर पढ़ा, सामने देख तरलता अनुपात, वो क्या था? यानी प्रत्येक बैंक अपनी कुल जमाओं का निश्चित हिस्सा किसके पास रखेगा? के पास, खुद के पास। खुद के पास किसके पास रखेगा बेटा? खुद के पास, खुद के पास। अब इसमें और आगे हम बढ़ते हैं, यानी रेपो रेट। यानी बैंकों को कभी कभार ओवरनाइट ऋण चाहिए होता है, बहुत दो दिन के लिए, पांच दिन के लिए, सात दिन के लिए ऋण चाहिए होता है, तो उसके लिए वो किसके पास आते हैं? आरबीआई के पास। आरबीआई के पास, जो केंद्रीय बैंक, तो बेटा जो केंद्रीय बैंक के पास, तो केंद्रीय बैंक उस पर जो ऋण लेगा वो क्या कहा जाएगा? जो दर, जिस दर से वो ऋण देगा वो क्या कहा जाएगा? रेपो रेट, ठीक है? अब रिवर्स रेपो रेट क्या होता है? अब इसमें उल्टा हो गया बेटा। माना कि बैंक के पास बहुत ज्यादा पैसा आ गया, बैंक के पास क्या हुआ? बहुत ज्यादा पैसा आ गया। अब बैंक के पास पैसा आ गया तो वो उस अतिरिक्त धन को क्या करेगा? केंद्रीय बैंक के पास जमा कराएगा। कहां जमा कराएगा? आरबीआई के पास जमा करेगा। यानी अतिरिक्त जमाओं पर, अतिरिक्त यानी एडिशनल जो डिपॉजिट्स होती हैं, अतिरिक्त जमाओं पर मिलने वाला ब्याज, ठीक है बेटा? यस सर। आ गया समझ में?
सर अच्छा, आज के लिए बेटा इतना ही बहुत। हाँ मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ बेटा, रिवर्स रेपो रेट का मतलब यह है कि जब बैंकों के पास बहुत ज्यादा जमाएं आ जाती हैं, ठीक है, यानी लोगों ने ढेर सारा पैसा जमा करा दिया, ऋण उन्होंने लिए नहीं, तो फिर बैंक के पास कैश बहुत ज्यादा हो गया। yes, sir. तो फिर बैंक क्या करेगा, उस पैसे को जमा करा देगा किसके पास, जैसे अपने पास ज्यादा पैसा होता है तो अपन किसके पास जाते हैं, बैंक के पास, तो बैंक अपन को ब्याज देता है नहीं देता। सर मत करो रिपीट, आपकी आवाज ही नहीं आ रही। बिल्कुल नहीं आ रही क्या? व्यापारिक बैंकों को देता है अल्पकालीन रूप से, वो क्या है, रिवर्स रेपो रेट, ट्रिपल आर, रिवर्स रेपो रेट। अब बेटा दो तीन चीजें इसमें और बची है मौद्रिक नीति में, आज गर्मी बहुत ज्यादा है, कल हम लोग दो चीजों के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं, यदि मॉर्निंग में टाइम मिला तो अपन क्लास लेंगे कल, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक वो रहेगा मुद्रा स्फीति का, इन्फ्लेशन का। सर टाइम क्या रहेगा सर क्लास का, आप सजेस्ट कर दो बेटा आप लोग। अच्छा यूट्यूब पर लेना चाहोगे कि यही लेना चाहोगे, आप मुझे इस चीज बता दो। सर यूट्यूब पे ना नहीं हो पाता है सर, यूट्यूब पर क्या करोगे, अच्छा टीचमेंट में ज्यादा अच्छा लग रहा है। हाँ हाँ सर, यस सर, नहीं आती है वीडियो भी बहुत जाती है, यूट्यूब इज बेस्ट। अच्छा अच्छा चलो कोई बात नहीं बेटा, ऐसे कर लेंगे।